कहते हैं कि वेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, एंड हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, एंड करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। तो खैर, मैं करेक्टर या वेल्थ के ऊपर तो आज बात नहीं कर रहा हूँ। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन का विश्व स्वास्थ्य दिवस है और ये पूरे दुनिया में व्यक्तियों का, हमारी मानव सभ्यता को जब भी हमारा आविर्भाव हुआ और उस आविर्भाव में तरह तरह के हमारी दिक्कतें आती गई, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए तरह तरह से हमारे जो मस्तिष्क और जो हमारे इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक शक्ति है उसके द्वारा हम उसका निदान करते हैं। और आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। एक ज़माना था मित्रों कि भारत स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे पिछड़ा देश माना जाता था, हम बहुत पिछड़े माने जाते थे। आज हम अभी कोरोना को, कोविड को हमने इतनी सफलतापूर्वक नियंत्रित किया कि विश्व, सारी दुनिया बहुचक रही है। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस पे हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं और हम ये अपेक्षा करते हैं कि आपके मन में जो भी जानकारियाँ हों तो आगे भी हमें आप दें ताकि हम दूसरे डॉक्टरों से, और आज का जो मुख्य मुद्दा है हमारे बीच में हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति जो है, मातृशक्ति की सबसे बड़ी समस्या जो है उसकी आंतरिक समस्याएं होती हैं। बहुत सी हिडन प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसको वो झिझक महसूस करती है अपने परिवार में, यहाँ तक कि अपने पति से भी उसको शेयर करने में भी उनको दिक्कत आती है। तो ऐसी कुछ समस्याओं के विषय में मैं आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर बात करने जा रहा हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर अलका जैन, डॉक्टर अलका जैन स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अलका जैन बहुत से गरीब महिलाओं और गरीब प्रजाति, गरीब वर्ग संघर्ष में जो भी परेशान है उसके प्रति बड़ा संवेदनशील रहती हैं और उनकी सहायता और उनकी चिकित्सकीय जो जानकारियां हैं उनको मार्गदर्शन देती हैं। लेकिन हम उनसे कुछ पूछ सकें ये हमारे में क्षमता कम हो सकती है, तो मेरे साथ आज हमारी एसोसिएट डायरेक्टर मिताश्री भी हैं। मिताश्री वो नाम है जो समाज में जा कर के, समाज के बहुत ही पिछड़े जो ज़मीन से जुड़े हुए तबके के विषय में जानकारियां एकत्र करती हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करती हैं। तो आज चलिए हम लोग सौंपते हैं आज का ये पूरा परिचर्चा का कार्यक्रम मिताश्री और हमारी अभिनंदनीय डॉक्टर अलका जैन के सम्मुख। डॉक्टर मिताश्री, आपसे मैं अपेक्षा करता हूँ कि डॉक्टर अलका जैन से आज के विषय पे आप बताइए कि आज आप क्या पूछने वाली हैं और किस विषय पे आज वार्ता करना है। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर साहब से आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के ऊपर, डॉक्टर साहब आपको आज बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज हम लोग बात करेंगे कुछ महिलाओं से जुड़े मुद्दे पे, जो बीमारियाँ होती हैं महिलाओं के जो मुद्दे के होते हैं उसमें एक बहुत ज्वलंत मुद्दा आजकल चल रहा है, वो है सर्वाइकल कैंसर। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? सबसे पहले तो मैं वर्ल्ड हेल्थ डे की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और ये आज का बहुत ही अहम टॉपिक है सर्वाइकल कैंसर के ऊपर, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर, सबसे पहले तो सर्वाइकल कैंसर पे यही महिलाओं को समझ में नहीं आता है कि सर्वाइकल कैंसर का मतलब क्या। आधे से ज़्यादा महिलाएं जो ये अवेयर नहीं है सर्वाइकल कैंसर के ऊपर, क्योंकि ये एक अंग्रेज़ी वर्ड है। तो मैं उस पर एक अलग से एक बात कहना चाहूँगी कि एक पेशेंट को किसी फलाने डॉक्टर ने बोला कि आपको सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट कराना होगा, तो वो एक हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जाके अपने सर्वाइकल की एक्सरे कराने के लिए चला गया। तो सर्वाइकल कैंसर बेसिकली महिलाओं में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है। ये वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे ये कैंसर प्रिवेलेंट है, मतलब इतना ज़्यादा है ये कैंसर। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये डायग्नोस बहुत देर से होता है, महिलाएं इसको बहुत देर से डायग्नोस कर पाती हैं। और जबकि अगर हम अवेयर रहेंगे, हम इसका समय पे एक जांच के लिए जाएंगे, तो ये बहुत स्लो ग्रो करता है ये, और ये बहुत जल्दी डायग्नोस भी हो जाता है, क्योंकि इसमें एक प्री कैंसरस कंडीशन होती है जिसको कि हम डिस्प्लेसिया कहते हैं। ये सर्वाइकल कैंसर, जैसा कि आपने बताया डॉक्टर साहब, कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसको कि हम आम भाषा में सभी लोग समझ सकते हैं। तो
ये किन कारणों से होता है, कौन से ऐसे मुख्य कारण होते हैं? बहुत से कारण हैं। आमतौर पे सर्वाइकल कैंसर का मतलब मैं एक बार और आपको बताना चाहूँगी। सर्वाइकल कैंसर का मतलब होता है बच्चेदानी के मुंह पे कैंसर। मुंह पे कैंसर, बच्चेदानी के मुंह पे बहुत सारे एक्स्ट्रा सेल्स ग्रो कर जाते हैं और जो कि उसको हम कैंसर का रूप ले लेते हैं। वो जो कोशिकाएं बन जाती हैं, हाँ, जो सेल्स बनते हैं, एबनॉर्मल सेल्स जैसी बनते हैं, किसी भी जगह पे अगर एबनॉर्मल सेल्स बन रहे हैं तो उसको कैंसर कहते हैं। तो कैंसर के बहुत सारे कारण हैं। महिलाओं में सबसे पहला कारण ये अर्ली मैरिज। अर्ली मैरिज, जिनकी जिन बच्चों की शादियाँ 18 साल से पहले हो रही हैं, उनका यौन संबंध भी 18 साल से पहले बनता है, तो उसमें सर्वाइकल कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। किसी भी, चाहे शादी हुई हो या ना हुई हो, अगर आपका इंटरकोर्स 17 साल से पहले हो रहा है, अर्ली इंटरकोर्स हो रहा है, तो सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो कुछ महिलाएं जो कि नशा करती हैं, किसी भी तरीके का नशा करें, चाहे वो धूम्रपान हो, चाहे वो शराब का नशा हो, और चाहे वो नशे का नशा हो, तो उनमें भी कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो महिलाएं बहुत लंबे समय तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, से मोर देन 2 ईयर्स, तो उनमें भी सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओरल का इसको जरा मैम थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें, जो कि कैसी दवाइयां लेती हैं? गर्भ निरोधक गोलियां जो कही जाती हैं कि इससे, जो हम लोगों के नॉर्मली गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, जो कि 21 दिन की गोलियां ली जाती हैं अवांछित गर्भ को दूर करने के लिए, हाँ, जो दवाइयां लेती हैं उनको एक विषय में आप बता रहे हैं। हाँ, तो उसको अगर हम लोग एक लंबे समय, देखिए वो अगर आप एक सीमित समय तक के लिए ले रहे हैं तो वो फ़ायदा करती हैं, लेकिन अगर आप उसको 2 साल से ऊपर ले रहे हैं तो वो नुकसान कर सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो करती ही हैं नुकसान, लेकिन चांसेस सर्वाइकल कैंसर के बढ़ जाते हैं। क्या डॉक्टर साहब, जैसे ये कम उम्र में माँ बन जाती हैं जो लड़कियाँ, हाँ, हम गांव ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर देखा गया है कि 14 साल में बच्चे हो गए, लगातार 3-4 बच्चे हो गए, 18 साल की उम्र तक 3 बच्चे हो गए, तो क्या ऐसी महिलाओं को भी होने की संभावना है? उनमें तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी तो उनका बच्चेदानी ठीक तरीके से पनप भी नहीं पाती और हमने उसको काम पे लगा दिया कि चाहे वो बच्चे पैदा, देखिए बच्चेदानी का जो बेसिक काम होता है वो बच्चे पैदा करने का होता है, लेकिन उसको एक मेच्योरिटी आना बहुत ज़रूरी है, जो कि 18-19 साल के बाद वो मेच्योरिटी आती है गर्भाशय में। अगर उसके पहले ही हमने उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया बच्चे पैदा करने के रूप में, तो डेफिनेटली वो सर्वाइकल कैंसर में कन्वर्ट होगा। और क्या ऐसा भी होता है ना, जैसे कि हम लोगों ने देखा हुआ है, जैसे समुदाय में बहुत सी महिलाएं होती हैं जो स्वच्छता का ध्यान नहीं रखती, जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन का पॉइंट ऑफ, डेफिनेटली हाइजीन इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट। हाइजीन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप हाइजीन नहीं रखेंगे तो भी आपको कैंसर होने के चांसेस हैं। दूसरा, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स जिनके हैं उनमें भी चांसेस हैं सर्वाइकल कैंसर होने के। एक और पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी का यौन संबंध एक सर्वाइकल कैंसर वाली महिला के साथ बन रहा है और उसके बाद वो एक नॉन सर्वाइकल कैंसर वाली महिला के साथ संबंध बनाता है, तो वो महिला को सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या बात है। एक और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन होती है कि जो HIV पॉजिटिव महिलाएं होती हैं और जो कि किसी भी कारण से उनकी इम्यूनिटी लो है, तो उनमें भी कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अभी मैम ने बताया, मीता श्री जी ने, कि जो सफाई का ध्यान विशेषकर गाँव क्षेत्रों में, तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान लोग गांव में गंदे कपड़े लगा लेते हैं और लड़कियों को इस विषय में, तो इस विषय में थोड़ा सा हमारे इस आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों से ये चाहेंगे वो जानकारी लें कि इस प्रकार से पैड वगैरह लें, छोटे भी सस्ते भी पैड आते होंगे मेरा ख्याल है, तो उनको वो इस्तेमाल कर सकते, बहुत महंगे न लें, तो इस विषय में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन मैं उस पर ये कहना चाहूँगी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर किसी कारणवश आप एक बहुत ही ज़्यादा निचला तबका है जिसमें कि आप पैड का नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं, तो आप कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस कॉटन के कपड़े को आपको प्रॉपरली साबुन पानी से वॉश करके धूप दिखा के उसको वापस से यूज़ करना पड़ेगा, और नहीं तो पैड्स का इस्तेमाल तो आपको सबसे अच्छा है। और अब आजकल एक मेंस्ट्रुअल कप भी आ गया है, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर हम लोग एक बड़ा सा डिस्कशन बाद में कर सकते हैं। जी, जी, जी.
तो लेकिन साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये भी एक ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है। इसमें कई प्रकार के होते हैं क्या सर्वाइकल कैंसर, क्या इसके कई स्टेज होते हैं, कैसे पता चलेगा? हाँ, सर्वाइकल कैंसर बेसिकली तीन टाइप का होता है। एक तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है, एक एडिनो कार्सिनोमा होता है और एक मेटास्टेटिक कार्सिनोमा होता है। तो आप ये तो अलग अलग सेल्स हैं जिसका कि मैं आपको टाइप बता रही हूँ, तो इस टाइप में क्लैरिटी आप मतलब बोल जाए जनरल, मैं सिर्फ नाम आपको बता रही हूँ कि तीन टाइप के कैंसर्स होते हैं। और ये मेरा ये पूछना था क्योंकि ये होता है कि महिलाएं जब आप डॉक्टर के पास, मैंने चूँकि देखा हुआ है कि वो कई सालों तक इलाज नहीं कराती या बताती नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में इसको लेके टैबू है कि इस विषय पे लोग बात नहीं करते, यहाँ तक कि अपने घर में परिवार में। तो जब वो स्टेज काफ़ी निकल जाता है, काफ़ी तबीयत खराब हो जाती है, काफ़ी कुछ सिम्टम डेवलप हो जाते हैं, तब हो जाती है डॉक्टर को दिखाने। तो मेरा ये प्रश्न था आपसे कि ये बताइए कि मतलब कौन से पहले लक्षण हो कि जो लक्षण हो जिनसे कि वो अवेयर हो, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो सबको इसके बारे में बताना है इस चैनल के माध्यम से। तो जो मुख्य लक्षण है वो आप अगर बता दें तो ज़्यादा अच्छा, ताकि लोग जागरूक हो जाएं और अगर ऐसा कुछ सिम्टम दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर, स्पेशली सर्वाइकल कैंसर इतना स्लो ग्रोइंग कैंसर होता है और इसमें एक प्री कैंसरस कंडीशन होती है जिसको हम डिस्प्लेजिया कहते हैं। डिस्प्लेजिया में उसमें कुछ चेंजेस आने शुरू होते हैं और अगर हमने वो डिस्प्लेजिया के ही लेवल पे उसको डायग्नोज कर लिया तो ये कम्प्लीटली ट्रीटेबल कैंसर है। कुछ ही कैंसर्स होते हैं जो कि कम्प्लीटली ट्रीटेबल होते हैं और बाय लक सर्वाइकल कैंसर कम्प्लीटली ट्रीटेबल कैंसर है, लेकिन आपने उसको टाइमली डायग्नोज किया तब। और डिस्प्लेसिया जब होता है तो वो जब प्रॉपर कैंसर के लक्षण आने से कई साल पहले डिस्प्लेसिया शुरू हो जाता है। तो डिस्प्लेसिया को डायग्नोज करने के लिए हमारे पास एक बहुत छोटा सा टेस्ट होता है जिसको हम पैप्समेयर कहते हैं। पैप्समेयर में सिर्फ बच्चेदानी के मुंह से एक थोड़ा सा एक उसका पानी लिया जाता है और उसको हम लोग टेस्ट के लिए भेजते हैं। लेकिन अगर आपने और 30 साल के बाद में आप लोगों को, हर किसी को, हम सब महिलाओं को साल में एक बार पैप्समेयर टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल उस टेस्ट में कुछ गड़बड़ आती है तो उसका ट्रीटमेंट वहीं हो जाता है, और अगर कुछ नहीं गड़बड़ आती है तो आप 5 साल में उसको रिपीट कराइए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर मैंने देखा है कि समुदाय की महिलाओं में एक, वो लोग कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर पर, कि सफ़ेद पानी की शिकायत 10-10 साल 15-15 साल से हो रही है, क्या इन चीज़ों से भी कुछ हो सकता है? देखिए, अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो वाइट डिस्चार्ज तो आपकी साफ़ सफाई की कमी के कारण होता है और वाइट डिस्चार्ज एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी भी तरीके का डिस्चार्ज हो रहा है जिसमें कि आपको एक अलग टाइप की स्मेल दिख रही है जो कि नॉर्मल से हटके है, अलग टाइप की स्मेल मतलब कि वो एक बदबूदार पानी होगा जो कि आपको इरिटेट करेगा, आपको परेशानी देगा, आपको लगेगा कि आप अंदर से अच्छा नहीं फील कर रहे हैं। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का मतलब नॉर्मल आपको जो मासिक हो रहा है महीने टू महीने उसके बीच में आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपको संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो वो बहुत अलार्मिंग है, उसके लिए तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। पोस्ट मीनोपॉजल कंडीशंस में भी आपको ब्लीडिंग होगी, अगर जैसे नॉर्मली 1 साल तक अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम मीनोपॉज नहीं बोलते, अगर 1 साल तक आपको ब्लीडिंग नहीं हुई है उस कंडीशन को हम लोग मीनोपॉज बोलते हैं, और उसके बाद अगर आपको किसी भी तरीके की ब्लीडिंग हो रही है तो दैट इज़ अलार्मिंग। डॉक्टर साहब, इससे पे एक मरीज की बात याद आ गई कि उनको मेनोपॉज हो गया था 50 साल की उम्र, लेकिन वो जब 60 या 65 साल की उम्र में थी फिर से उनको ब्लीडिंग शुरू हो गई। हाँ, तो ये कैंसर, ये तो इसमें तो आपको आपके एकदम से कान खड़े हो जाने चाहिए कि हमें तो बहुत एक्टिवली ट्रीटमेंट के लिए जाना है। कुछ कंडीशंस जिसमें कि थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ जाता है कैंसर का, उसमें आपको नीचे बच्चेदानी के तरफ सब नीचे पेट में दर्द होगा, आपको बार बार यूरिन आने की सिचुएशन हो सकती है। अगर आपको बार बार यूरिन आ रहा है, एकदम अचानक से आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बार बार यूरिन शुरू हो गया है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, थकान महसूस हो रही है का मतलब ये नहीं कि, देखिए महिलाओं को सबको शाम के बाद थकान महसूस होती है,
लेकिन अगर आपको आराम करने के बाद में भी आपकी वो थकान नहीं ठीक हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलना है। और एक अननेचुरल सा स्मेल तो मैंने आपको पहले भी बताया, अगर अननेचुरल सी स्मेल लग रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो क्या है, जैसे जिनके मेनोपॉज के, अभी आपने बात करी कि मेनोपॉज के ग्रुप में जो मेनोपॉज के टाइम की जो महिलाएं होती हैं, क्या उनको एक बार इसमें इसका टेस्ट करा लेना चाहिए? मैं तो यही कहूँगी मिताश्री जी कि 30 साल की उम्र के बाद में पैप स्मियर मैंडेटरी होना चाहिए कि आपको कराना ही कराना है। अगर आप 30 साल से ही एक्टिव हो जाएंगे तो आपने जो मैंने ये सब लक्षण आपको बताए हैं आप लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे कोई भी, मतलब कि वो लक्षण अगर आप 30 साल की उम्र के पहले से अगर आप लोग कराने लगेंगे टेस्ट और इसके बारे में चौकन्ने हो जाएंगे तो हम उस स्टेज पे नहीं आएंगे जहाँ पे सर्वाइकल कैंसर में ऑपरेशन सर्जरी भी होती है। बिल्कुल नहीं, पहले एक कैंसर 4 स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज 1 होता है, स्टेज 1 में सिर्फ बच्चेदानी के मुंह पर ही कैंसर होगा। स्टेज 2 पे वो बच्चेदानी के मुंह से उठ के बच्चेदानी तक जाएगा, ये स्टेज 2 कैंसर होता है। स्टेज 3 कैंसर जो होगा वो बच्चेदानी के मुंह पे, बच्चेदानी पे और उसके आसपास रहेगा। आसपास का मतलब कि नलों तक पहुँच जाएगा बस। उसके बाद स्टेज 4 कैंसर होता है। स्टेज 4 कैंसर अगर आप पहुंच गए हो तो फिर तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्टेज 4 कैंसर का मतलब ये होता है कि कैंसर बच्चेदानी का मुंह, बच्चेदानी, ओवरीज, साइड में, लंग्स में, ब्रेन में पहुंच चुका है। तो वो तो फिर नॉन ट्रीटेबल है डेफिनेटली। उसके बारे में तो कैंसर के बारे में इतना तो सब लोगों को पता है। नहीं, जैसे बहुत से महिलाओं का ऐसा सुना जाता है कि बच्चेदानी को पूरा निकाल देते हैं, हिस्टेक्टोमी कर देते हैं, तो वो भी क्या इसी सर्वाइकल कैंसर को रोकने में सहायक होता है? नहीं, मतलब आप ये कहना चाहती हैं, निकलवा दिया? नहीं, आप ये कहना चाह रही हैं कि हम 50 साल की उम्र के बाद हम बच्चेदानी को निकलवा ही दें? नहीं, अगर मान लो किसी को है, कैंसर है तो अलग बात है। कैंसर है लेकिन, क्योंकि मैंने कुछ जगह ये भ्रांतियां भी हैं कि अब तो बच्चेदानी का क्या काम है, हमें इसको हम निकलवा देते हैं। नहीं, नहीं, तो देखिए, कोई भी ऑर्गन अगर है शरीर के अंदर तो उसका कुछ ना कुछ काम है। और 50 साल के बाद भी अगर आपकी बच्चेदानी में कोई दिक्कत नहीं है तो आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके के एक भ्रांति में मत आइए कि अब हमें इसको निकलवा देना है, क्योंकि ये भ्रांति मैंने बहुत सुनी है लोगों के। बिल्कुल ठीक कह रही हो, सब यही होता है कि लोग कहते हैं क्या इसका यूज़ नहीं है, या मतलब कुछ ऐसा कहा जाता है कि बच्चेदानी के कैंसर हो सकता है इस वजह से, तो ऐसा कुछ नहीं। नहीं, अगर देखिए बच्चेदानी का कैंसर अगर ऑब्वियस हो ही गया है, स्टेज 1 स्टेज 2 आ गई है, तो उसमें आपका कीमोथेरेपी होगा, रेडियोथेरेपी होगा और उसके बाद में सर्जरी होगा। अच्छा, कीमोथेरेपी जो बच्चेदानी की होती है उसमें सहजता रहती है कि मतलब कुछ बड़ा खतरा रहता है? देखिए, कीमोथेरेपी के एज सच कोई खतरे नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वो दवाइयां हैं, वो बहुत हार्ड दवाइयां हैं, तो उनके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही, जैसे बालों का चले जाना। हाँ जी, बालों का चले जाना, नौशिया होना, वॉमिटिंग होना, थकान होना, तो ये तो दवा का साइड इफ़ेक्ट है। तो उसके ऊपर भी बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं ताकि ग्रेजुअली ये सब साइड इफ़ेक्ट्स को भी हम नज़रअंदाज कर पाएँ। डॉक्टर साहब, इसी पे एक सोच ये बन रही है कि देखिए, जो आज की किशोरियाँ हैं वही आगे की माताएँ बनेंगी और आगे की महिलाएँ होती है ना भविष्य की, तो ये इसके बारे में आपको क्या लगता है कि हम अगर किशोरियों को जो 13-14 साल के बाद से, जब से महावारी शुरू होती है तब से, उन किशोरियों को अगर हम इसके विषय में ज्ञान दें कि हाँ कि ऐसा हो सकता है, आगे आप साफ सफाई का ध्यान रखिए, हेल्थ के बारे में बताएं, तो किशोरियों को हम कैसे बता सकते? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, अगर हमने शुरुआत से ही प्रिवेंशन अगर कर दिया, जैसे कि कहा गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसका ये नॉर्मली जो सर्वाइकल कैंसर होता है ये एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। 90% ऑफ द कैंसर्स आर ड्यू टू दिस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का एक वैक्सीन आता है जिससे कि उस HPV वैक्सीन के को हम 100% हटा सकते हैं। तो अगर हम लोगों ने अपनी किशोरियों को, जैसे आप अभी जो एक वैक्सीनेशन करवा दिया है, तो हम लोग काफ़ी हद तक इस कैंसर से निजात पा सकते हैं। लेकिन वो तो तभी हो पाएगा जब हम 100% वैक्सीनेशन करेंगे। अभी एक वैक्सीन आया है जिसको कि हम लोगों को
बाहर प्राइवेट में हम लोग इसको दो वैक्सीन आते हैं गार्डासिल और सर्वरिक्स नाम से, वो 9 साल की उम्र से बच्चों को लगना शुरू होता है, 26 साल तक की उम्र तक जी, 9 से 14 साल तक उसके दो टीके लगते हैं, एक पहला टीका लगेगा और दूसरा टीका जो है वो 6 महीने से 12 महीने के बीच में आप कभी भी लगवा सकते हैं। ये तो 14 साल तक के बच्चों के लिए है, और 14 साल से ऊपर के बच्चे जो हैं उनको, 14 साल से 26 साल तक की महिलाएं, उनको 3 टीके लगते हैं। एक पहला टीका लगेगा, उसके 1 या 2 महीने बाद हम दूसरा टीका लगाएंगे, और उसके 6 महीने बाद, मतलब पहले टीके के 6 महीने पे हम तीसरा टीका लगाएंगे। उधर ये निशुल्क होगा कि ही अभी कुछ पता नहीं? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस टीके को बनाया है सर्ववैक नाम से, तो वो बाय अप्रैल 2023 प्रोबेबली वो लॉन्च करेंगे उसको, तो वो बहुत सब्सिडाइज रेट में बच्चों को मिलेगा, और वो स्कूल्स में, उनका प्लान ये है कि स्कूल्स में वो 9 से 14 साल के बच्चों को लगाएंगे उस टीके को, और वह नॉमिनल रेट्स हैं, अभी तो जो पता लग रहे हैं वो 200 से 400 रुपए का रेट आएगा। लेकिन एक और चीज़ है, देखिए वैक्सीनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें अपना कुछ डाइटरी हैबिट्स को भी अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो वो कुछ बताएं डॉक्टर साहब, इसमें डाइटरी हैबिट क्या होना चाहिए? डाइटरी हैबिट्स में जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, तो फ्लेवोनॉइड्स बड़े टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ फ्लेवोनॉइड्स बता रही हूँ कि फ्लेवोनॉइड्स होते हैं तो वो कुछ चीज़ों में होते हैं जिनको कि खाने से हम थोड़ा सा कैंसर के ऊपर प्रिवेंट करने के लिए थोड़ी सी वो मदद कर सकते हैं। तो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होते हैं, तो वो खाने हैं आपको, जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स होते हैं सेब में होते हैं, ब्रोकली में होते हैं, पत्ता गोभी में होते हैं, सोयाबीन में होते हैं, पालक में होते हैं, तो उस ये सब खाने पीने की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ाएं। एक दूसरा होता है फोलेट्स, फोलेट्स आर विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, ये एवोकाडो आता है, अपने हिंदुस्तान में एवोकाडो वैसे कम ही ऐसा आता है, लेकिन दालें खाएं ज़्यादा से ज़्यादा, संतरा खाएं, स्ट्रॉबेरीज खाएं। तीसरा होता है कैरेटिनॉइड्स, कैरेटिनॉइड्स इज सिंपल विटामिन ए, तो विटामिन ए तो अपन सब लोगों को पता है गाजर, आम, कि गाजर में और आम में विटामिन होता है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन करें, तो हम किसी भी तरीके के कैंसर में दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर हेल्पफुल। डॉक्टर साहब, इसके लिए कुछ मैसेज आप, अगर हम किशोरियों को देखें, क्योंकि आजकल किशोरियों का लाइफ स्टाइल भी बदल चुका है, और इसके साथ ही साथ किशोरियां जो हैं उनका जीवन दिनचर्या भी बदल गई है, जिसमें बहुत ज़्यादा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बचने के लिए एक तो खान पान पर ध्यान होना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना है, और दूसरी चीज़ है कि कम उम्र में शादी या कम उम्र में यौन संबंध बनाना खतरा हो सकता है, तो इसलिए किशोरियों को और क्या देंगे कि आप किस उम्र में सही उम्र में शादी हो? देखिए, सबसे पहली बात सेफ सेक्स, अगर आपने किसी भी तरीके से अगर आप लोगों को यौन संबंध बनाना ही है तो कुछ कॉन्डोम वगैरह इस्तेमाल करें जी। सर्वाइकल स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 30 साल की उम्र के बाद में सर्वाइकल स्क्रीनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। से फ्यू सेक्सुअल पार्टनर्स रखिए, स्मोक नहीं करिए क्योंकि स्मोक बहुत ख़तरनाक होता है, और अगेन डिले इन फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स क्योंकि दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना जल्दी यौन संबंध स्थापित होंगे उतनी जल्दी आप सर्वाइकल कैंसर के लिए प्रोन हो जाएंगे। अच्छा, इस पे एक थोड़ा सा मैं इसी में पूछ रहा हूँ, जिनको ऐसा कुछ है क्या उनको सेक्स रिलेशंस करने से बचना चाहिए? देखिए, बचने से अब कुछ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी अगर हमने HPV वैक्सीन ऑलरेडी हम अंदर पनप चुका है तो बचने से कुछ नहीं होगा, अब उसका इलाज करना है हमको, क्योंकि वो मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्वाइकल कैंसर बहुत स्लो ग्रो करता है, तो जब बहुत स्लो ग्रो करता है और अगर हमने सर्वाइकल स्क्रीनिंग कर ली है टाइमली तो हमको वहीं उसी समय हम उसको ट्रीट कर पाएंगे, तो ट्रीटेबल है, बहुत आसानी से वो ट्रीट हो जाता है, लेकिन सर्वाइकल स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि 30 साल की उम्र के बाद में सर्वाइकल स्क्रीनिंग, और सर्वाइकल स्क्रीनिंग का जो टेस्ट होता है जो हम पैप स्मियर टेस्ट कहते हैं,
वो बिल्कुल एब्सोल्युटली पेनलेस टेस्ट होता है, किसी तरीके की कोई परेशानी महिला को नहीं होती है, लेकिन हाँ डॉक्टर के पास उसको ज़रूर एक बार जाना पड़ेगा, अपना टेस्ट कराइए और अपनी स्क्रीनिंग करिए। जितना आप जितना स्क्रीनिंग करेंगे उतनी जल्दी आप चीज़ को पकड़ में लाएंगे, और जितना जल्दी चीज़ पकड़ में आएगी उतनी जल्दी वो ठीक होगी। तो डॉक्टर साहब, इसमें आप डॉक्टर साहब ने आज जो भी बताया उसमें तीन चार चीज़ें बहुत मुख्य बताए कि एक तो महिलाओं को या लड़कियों को अपनी सफाई का ध्यान रखना है, निजी स्वच्छता पे बहुत ध्यान देना है, दूसरी चीज़ डाइट सही लेना है, ताकि क्योंकि अब तो लड़कियां या महिलाएं हैं वो घर में भी काम करती हैं और बाहर भी जाती हैं, तो उनके लिए इस तरह से पौष्टिक आहार का भी ज़रूरी है। तीसरी चीज़ 30 साल की उम्र के बाद से रेगुलर चेकअप कराना ज़रूरी है, स्क्रीनिंग सर्वाइकल स्क्रीनिंग कराएँ, और कोशिश ये करें कि जैसे सही समय पे शादी हो तो बच्चा भी सही समय पे हो। जिस तरह कच्चे घड़े में पानी भर दो तो घड़ा टूट जाता है, उसी तरह अगर बच्चेदानी कच्ची होगी और उसमें ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो बाद में ये बीमारी हो सकती है। क्योंकि अभी भी हमारे समाज में 70% महिलाएं ऐसी हैं कि जो इस विषय पे अभी भी चुप्पी रखी है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें अगर कुछ भी शरीर में प्रॉब्लम हो रही है तो कृपया अपनी चुप्पी तोड़ें और डॉक्टर को दिखाएं, सरकारी अस्पताल जाएं या प्राइवेट में दिखाएं, जहां जिसकी भी वो हो, लेकिन हर जगह एक बार जरूर, साल में एक बार डॉक्टर साहब कम से कम एक बार स्त्री रोग विशेषज्ञ को जाके दिखाना चाहिए, ताकि हम ऐसी बीमारी से बच जाएं। भले सर्वाइकल कैंसर बहुत स्लो प्रोसेस में आगे बढ़ता है, लेकिन फिर भी क्यों ऐसी बीमारी को हम बढ़ने दें कि जो बाद में ज़्यादा समस्याग्रस्त हो। और ऐसा नहीं है कि बढ़ता नहीं है, सर्वाइकल कैंसर भी जब लास्ट स्टेज में होता है तो वो शरीर के और अंगों में फैलने की संभावना रहती है, तो हमें इसको रोकना है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पे हम सभी महिलाओं से ये अनुरोध करते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखें, क्योंकि महिलाएं ही होती हैं जो कि घर को सही रखेंगी, आगे आने वाले भविष्य की अगली पीढ़ी को स्वस्थ रखेंगी और आगे देश की उन्नति करेंगी। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, ये महत्वपूर्ण वार्ता आपको कैसी लगी इसको देखिएगा। मैं इसको समराइज करूँ, विद्वान डॉक्टर जो हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर हैं जिनकी वार्ता मैंने सुनी, उसको अगर समराइज करूं, उसको मैं सारांश रूप में सहज भाषा में आपको बताऊं, तो सबसे पहले तो आपको नोट करना चाहिए कि अर्ली एज में हम जो ज़्यादातर सेक्स करने से बचें, चाहे हमारी लड़कियां हों चाहे लड़के हों, और फोर्स सेक्स अगर हो जाता है तो उसके विषय में लोग बताएँ और उसका किसी न किसी तरीके से उसका विकल्प खोज करके उसको निदान करें, उसमें शर्माने या छिपाने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें फल और पौष्टिक आहार का सेवन करना बहुत आवश्यक है। तीसरी बात जो हमने इसकी से वार्तालाप से जो हमने निकाली वो ये है कि जब हम सेक्स करें या जब हम अपने पति या अपने सेक्स पार्टनर के पास जाएं तो दोनों की सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें, और विशेष रूप से जब ध्यान रखेंगे तो इस प्रकार के हालत उत्पन्न होने की संभावनाएं लगभग क्षीण हो जाती हैं। और अगर ऐसा हो ही गया है तो आप इसको डरे नहीं। ये जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया, हमारी मीताश्री जी ने बताया कि ये बिल्कुल ट्रीटमेंट, इसका निदान संभव है और इसका निदान निश्चित रूप से सफल होता है अगर आपने आखिरी स्टेज तक पहुंचने का इंतज़ार नहीं किया तो। तो मित्रों, हम इस विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में अभी हम तीन चार दिन और दूसरे डॉक्टरों से, अगला चरण में हम डॉक्टर रमाकांत जी से वार्ता हो चुकी है, उनसे हम आपके विषय में आपके पान मसाला खाने के ऊपर प्रश्न एक समस्या प्रधान बातचीत करने जा रहे हैं। तीसरा डॉक्टर सूर्यकांत जी से हम भी बात करने जा रहे हैं जो कोरोना के विषय में है, कोरोना विशेष रूप से पनप रहा है, फिर से जागृत हो रहा है। अभी कुछ हमारे यहाँ पे लगभग 300-400 पेशेंट कल ही आए हैं, 4000 से ऊपर संख्या पहुँच गई है, तो उसके विषय में भी हम सूर्यकांत जी से जो इसके विशेषज्ञ हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनसे बात करेंगे। मित्रों, आपको ये सब वार्तालाप और हमारे ये चैनल को आप देख करके शेयर कीजिए और अपनी राय हमें ज़रूर दें, अपने कमेंट दें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता है, और जब उत्साहवर्धन होता है तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं कल। आज का एपिसोड आपको बहुत बहुत मुबारक हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से और हमारे भारतवर्ष की तरफ से आपको हम बहुत बहुत स्वास्थ्य दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।